बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि से प्रभावित हुई फसलों के सर्वे की कवायद शुरू कर दी गई है। कृषि विभाग और बीमा कंपनियां मिलकर प्रभावित गांवों में जाकर सर्वे करेंगे और उसके बाद उसकी रिपोर्ट निदेशालय को भेजी जाएगी। रिपोर्ट भेजने के साथ ही किसानों को मुआवजा दिए जाने की कवायद भी शुरू हो जाएगी। कृषि विभाग के अधिकारी पूनम के अनुसार हाल ही में हुई बरसात और ओलावृष्टि से जिले के 60-70 गाँवों के करीब 25,000 एकड़ में बिजाई की गई फसल का नुकसान पहुँचा है। अब कौन सी फसल को कितना नुकसान हुआ है, इसके लिए विभाग बीमा कंपनियों के अधिकारियों के साथ इन गांवों में जाकर रिपोर्ट तैयार करेंगे। बता दें कि बीते सप्ताह फतेहाबाद जिले में भारी ओलावृष्टि और बरसात हुई थी, जिसके बाद किसानों ने बर्बाद हुई फसलों की गिरदावरी करवाकर उन्हें मुआवजा दिए जाने की मांग भी की थी। मौसम ने निरंतर परिवर्तन कर लिया है। दिनांक 26/11 और 27/11 को जिला फतेहाबाद में भारी बारिश व जल भराव हुआ है व ओलावृष्टि भी हुई है। ओलावृष्टि होने के कारण हमारे जिले के लगभग 70 या 75 गांव इन्फेक्टेड हुए हैं, जिनमें हमारे गेहूं की फसल व सरसों की फसल को नुकसान पहुंचा है। अब इन ये नुकसान पहुंचने पर जो कि हम कंपनी बजाज इंश्योरेंस कंपनी जो कि कृषि विभाग के साथ मिलकर इस टीम इसका सर्वे करेगी कि हमारी गेहूँ की फसल में और सरसों की फसल में क्या नुकसान हुआ है। आगे की कार्यविधि आपको बता दी जाए।